Okay. So today we are going to start a new topic, and that topic name is contract costing. Okay. So did you read about contract costing? I shared the file with you. क्या होता है contract? बताइए. Ma'am, contract is an agreement between two parties under which one party is called contract. One party is called? Contract. Contractee. Yes, ma'am. Contractee and contractor. Yes, contractee and contractor. Anything else anybody wants to add? और किसी ने कुछ पढ़ा इसके बारे में? Okay. So let's start with this. Ma'am, contract is an agreement which is enforceable by law. Okay. Yes. Anything else? और कोई कुछ कहना चाह रहा है? Okay. आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की, विच इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है, अभी तक हम जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अगर हमारा ऐसा बिजनेस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करेंगे. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक जैसे ऑर्डर पे चीजें बनती है. ठीक है, तो स्पेसिफिक इसको ऑर्डर कॉस्टिंग बोला जाता है. कि स्पेसिफाइड ऑर्डर कॉस्टिंग है, और जहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो. अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक वैलिड एग्रीमेंट होता है, जैसा कि अभी बताया, और दो पार्टीज होती हैं इसमें, एक कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्टी. ओके, कॉन्ट्रैक्टी कौन है, जो कि ये देता है कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो विद इज अ पर्सन विद होम द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू अंडरटेक एंड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क. जैसे अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, डैम, रोड, शिप कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हमारे इक्विपमेंट्स है ना, और उनका एक प्राइस डिसाइड होता है और उस प्राइस पे वो बनाते हैं. तो इसीलिए जो बिल्डर्स होते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो इस मेथड को यूज करते हैं. और एक तरीके से जो जॉब कॉस्टिंग है उसका ये एक्सटेंशन ही है. जॉब वर्क जो होता है उसमें स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो भी हम किसी के ऑर्डर पे ही करते हैं. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो बड़े बड़े कामों के लिए, जिनका जो टाइम पीरियड है, जो अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है ना, वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, प्रिंसिपली दोनों वही है, बट देयर एक्सटेंसिवनेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बढ़ जाते हैं. इसलिए इनको जनरली हम साथ में बोलते हैं, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. आपके जब सिलेबस में भी आप देखोगे तो साथ में ही लिखा हुआ है. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम करते हैं क्या है, हम ये पता लगाते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमने लिया है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज डूइंग फॉर बेनिफिट, राइट? प्रॉफिट तो सबको चाहिए, लेकिन वो प्रॉफिट का पता कैसे लगाएगा, जब उसको ये पता होगा कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है. तो उस कॉस्ट का ही पता लगाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इससे पहले मैं आपसे लोगों से पूछती हूँ, क्या आपको बेसिक समझ पे आया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम देखेंगे, और फिर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसका. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टी है, कॉन्ट्रैक्टी कौन है, वो ऐसा पार्टी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट देता है. ठीक है, जिसके बिहाफ पे काम किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को देता है कि आप मुझे ये चीज बना के दो. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को वो बोलता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, और उसके करेगा, मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मुझे बिल्डिंग बना के दो. वो कॉन्ट्रैक्टी है, और कॉन्ट्रैक्टर वो है जो वो बनाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को लेता है. वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे इतने अमाउंट दो और मैं आपको इतना दूंगा, ये बिल्डिंग बना के दूंगा. हम जो बात करेंगे, हम इस कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे बात करें, क्योंकि इसको कॉस्ट का पता लगाना है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे लूं कि मुझे प्रॉफिट हो जाए. तो हम कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे हम बात करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी. ठीक है, कि ये काम इस तरीके से होगा. ओके, और उसके अलावा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक बनाया जाता है, विच इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. विच इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो हम बनाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, और उससे हमें पता लगता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, क्योंकि ये हमें प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा देता है, इसलिए इसका नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाता है.
ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो प्राइस है जिस प्राइस पे दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि अगर आप मुझे बिल्डिंग बना के दोगे मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10 लाख रुपए इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आइटम्स होते हैं इसमें, पहली आइटम होती है मटेरियल. ठीक है, आप क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट बनाने जा रहे हो तो जितना भी इसमें खर्चा होगा वो सब के सब आप इसके डेबिट साइड में दिखाओगे. हर तरीके का मटेरियल जितना भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए वो सारा के सारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा. अब आपको मटेरियल 3 जगह से आपको मिल सकता है, या तो आप मार्केट से खरीद लो, या आपका कोई हमने स्टोर बनाया हुआ है जहां हम स्टॉक रखते हैं वहां से इशू करा लो, या जैसे हमने देखा है कि बिल्डर्स के कई जगह कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहते हैं, ठीक है, तो आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट से उठा लो. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाता है तो जो भी मटेरियल बच जाता है उसको हम वापस भेज देते हैं. तो अगेन हम कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, तो हम स्टोर में वापस कर दें, या हम उसको सेल आउट कर दें, या हम उसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो थे चल रहे हैं जो दूसरा, और वहां पे बचा हुआ माल जो है वो दूसरे अकाउंट में चला, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाएगा. तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाता है, और उसके बाद जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, किसी भी ट्रांजेक्शन पे अगर आपने सेल किया और उस पर प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, अभी हम इसको न्यूमेरिकली भी करके देखेंगे, सो डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो है हमारा प्लांट. ठीक है, जो प्लांट एंड मशीनरी है, मशीनरी आपको चाहिए, जैसे आपने देखा कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, हम ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का ही लेते हैं, उनकी अपनी क्रेन्स होती हैं, है ना, सीमेंट मिक्सिंग की मशीन्स होती हैं, तो ये प्लांट एंड मशीनरी चाहिए. अब इसको दिखाने के 2 तरीके हैं. ठीक है, पहले तो क्या, जब आपके पास पूरा वो प्लांट आ गया या मशीन आ गई है तो आप उसको वहां पे दिखा दो डेबिट साइड में कि हमारे पास ये आया, और जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या होगा, उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है उसको आप क्रेडिट साइड में कर दो. मान लो हमारे पास जब प्लांट आया तो उसकी 8 लाख वैल्यू थी, अभी उस प्लांट की वैल्यू जो है वो 7 लाख रह गई है क्योंकि हमने उसको इतना टाइम यूज कर लिया, उसको डेप्रिसिएशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो 1 लाख है वो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ डेप्रिसिएशन एंड ऑटोमेटिकली इट विल बिकम एन एक्सपेंस. दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने ये प्लांट बहुत छोटे टाइम के लिए लिया, बहुत कम टाइम के लिए लिया, शॉर्ट पीरियड के लिए लिया, तो आप क्या करोगे, सिर्फ वो 1 लाख ही उसके डेबिट में लिखोगे. बात वही है ना, डिपेंड करता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो मैम. ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट चीज इसमें आती है, अभी तक तो जो हम कर रहे थे आपने पहले पढ़ा ही हुआ है, जो डिफरेंट चीज एक यहाँ पे आती है वो होता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर तो कह देगा कि जी मैंने इतना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को इतनी नॉलेज नहीं उस काम की, है ना, हम जो ना बिल्डिंग रोज बनवा रहे हैं हमें क्या पता कितना काम हो गया, तो कह देगा जी दीवारें खड़ी होगी काम हो गया, तो हम ऐसे नहीं कर सकते. तो इसलिए क्या होता है, एक बीच में एक स्पेशलिस्ट ऐड होता है, जो सर्टिफायर होता है वो क्या करता है, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ वर्क डन देता है. ठीक है, वो ये लिख के देता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है और वो देख के बताएगा कि आपका जी 20% काम हो गया या 40% काम हो गया, कितना काम हो गया, क्योंकि जितना आपका काम हो जाएगा मैं आपको उस हिसाब से ही पेमेंट करूंगा. नहीं तो हमने नॉर्मल में भी देखा ना, कॉन्ट्रैक्टर को एक बार पेमेंट कर दो फिर वो गायब. तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, जो इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स या जो सर्टिफाइड पीपल होते हैं वो क्या करता है, वो असेसमेंट करता है, वो इवेल्युएट करता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी, और जितना हो गया उतना वो लिख के देता है कि भाई ऐसा है आपका ना अभी 20% काम हुआ है तो आपको 20% के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगी. और जो ये वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, इट इज लाइक काइंड ऑफ, यू कैन जस्ट थिंक इट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना काम आपका डन है तो आपकी इतनी सेल्स हो गई. तो इस जैसे हम सेल्स को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ऐसी हम वैल्यू वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे. तो इससे रिलेशनशिप है इसका कि कितना हमारा काम, वो एक परसेंटेज के हिसाब से होता है, कितना परसेंटेज ऑफ काम या इतना अमाउंट, दोनों तरीके से दिया जा सकता है, हमारा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है तो आप उसको क्रेडिट साइड में दिखा दोगे कितना काम हमारा डन है, इतनी पेमेंट जो है वो हमारी ड्यू हो गई है क्योंकि हमने इतना काम कर दिया है. लाइक आई सेड, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि बिल्डिंग बना रहा है.
अब जैसे कि हमारे नॉर्मल अकाउंट्स में होता है कि सारा के सारा तो वर्क हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, वो हमारा तो कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी रहता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। हमारा तो मटेरियल उसमें लग गया ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन हमारा तो उसमें लग चुका है ना, तो हम उसको दिखाते हैं, तो हम उसे ये बोलते हैं राइट। सो इसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है वो हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे हमने हो सकता है हमारा जैसे वर्क इन प्रोग्रेस रहता है ये उसके कंपैरेटिवली है, क्योंकि सारा वर्क तो उस दिन हमारा एक साथ सर्टिफाई नहीं हो जाता, मतलब उसके सर्टिफाइड की डेट अलग हो सकती है और हमारी जिस दिन अकाउंट क्लोज हो रही है उसकी डेट अलग हो सकती है, जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। तो जो बीच का टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो है इतना काम जो है हमने कर लिया है लेकिन अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसको हम दिखाते हैं कॉस्ट प्राइस पे, जो वर्क सर्टिफाइड होता है उसको दिखाते हैं सेल्स प्राइस पे, हमारे प्राइस के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है उसके प्रोपोर्शनेटली, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जो होता है उसको हम दिखाते हैं कॉस्ट के हिसाब से। और उसको हम दिखा देते हैं और क्रेडिट साइड में इसको, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं ना वैसे इसको दिखा देते हैं कि इतना हमारे पास सामान पड़ा हो, क्लोजिंग स्टॉक भी अलग से दिखा सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टी हमें साथ साथ कुछ कुछ पेमेंट करता रहेगा, जितना हमारा वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा उसका कुछ परसेंटेज वो हमें दे देगा, वो हमारा कैश रिसीव्ड हो जाएगा। हमने 10% काम खत्म कर दिया लेकिन इसके हिसाब से अगर मान लो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 10% के हिसाब से हमारा 1 लाख बनता है, लेकिन अभी वो कहता है कि मैं सारा आपको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सारा वो, क्योंकि उसको भी डर है ना कि अगर सारी पेमेंट कर दी तो कॉन्ट्रैक्टर भाग ना जाए, इसलिए लेट्स से कि उसने हमें 70,000 रुपए दिए, 1 लाख में से 70,000 रुपए दिए, बाकी का जो 30,000 है दैट इज कॉल्ड अ रिटेंशन मनी। तो होल अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड नहीं पे किया जाता है, उसका एक पोर्शन दिया जाता है, और ये हम रेगुलर में भी ऐसे ही करते हैं ना, तो बाकी का जो मनी उसने रोक लिया है दैट बिकम्स योर रिटेंशन मनी। एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स बेटा, किसी को किसी भी जो हमने, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकली अभी जब हम करेंगे तो जो है हम इसको देखेंगे, आप में से किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चले आगे बढ़े, ठीक है, तो अब हम प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे हम सारे कॉन्ट्रैक्ट की, हमें इनकम भी पता लगानी है उसके एक्सपेंसेस भी पता लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अलग अलग हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग अकाउंट बनाता है, ठीक है, और उसको एक नंबर दे देता है कि जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इससे क्या होगा कि वो ये देखता रहेगा कि किस किस अकाउंट में कितना कितना पैसा जो है वो आ रहा है और कहाँ कहाँ हमारा कितना कितना जो है वो खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, हम क्या डिटेल्स लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के टॉप में कि हमारी साइट कौन सी है, प्लेस ऑफ साइट लिखते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट हमने किस दिन इसको स्टार्ट किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जैसे हम एक नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं ऐसा ही हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, दो पार्ट करेंगे, डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया, ठीक है, और जो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आएगा जैसे हम सबको पता है वो प्रॉफिट या लॉस होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेबिट साइड की, ठीक है, जो डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं मेटीरियल, जितना भी आप मेटीरियल ला रहे हो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जितना भी मटेरियल ला रहे हो उस सारे मटेरियल को, ठीक है, हम डेबिट करेंगे। और मटेरियल्स जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिया, जैसे अभी हमने बात करी कि 3 तरीके से आ सकता है, या तो हम बाय करेंगे मार्केट से, या हम स्टोर से इशू कराएंगे, या हम कोई और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और वहां से बचा हुआ मटेरियल आएगा, तो तीनों तरीके का मटेरियल आप यहाँ पे दिखाओगे। उसके बाद हमारा है डायरेक्ट वेजेस, जितनी भी लेबर काम कर रही है हमारी साइट पे उन सबकी जो सैलरी है, जो वेजेस है वो यहाँ पे डेबिट कर देंगे। फिर हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के हम दे रहे हैं और एक प्रपोर्शन जैसे ओवरहेड्स टाइप, जैसे अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं लास्ट कुछ सेशंस पे हमने किया ओवरहेड्स के बारे में, तो वो जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है ना, उसको अपोर्शन करके जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन एलोकेशन जो भी बनता है उसको हम यहाँ पे डेबिट साइड में हम दिखा देंगे, ठीक है। और कोई भी जो होगा कुछ भी, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, एक्सपेंसेस सब, इस जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो सारा के सारा खर्चा यहाँ दिखाया जाएगा।
इसके बाद आता है प्लांटेड मशीनरी। जो प्लांटेड मशीनरी जो हमने यूज किया यहाँ पे, उसको हम कोई भी, जैसे मैंने अभी थोड़ा समझाया भी था, उसको और दोबारा समझा देती हूँ। अगर हमारा जो सर्विसेज ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को आप डेबिट करोगे जितना उसका डेप्रिसिएशन है। अगर शॉर्ट पीरियड है, इतने अमाउंट में कितना उसका हमने यूज कर लिया उसको आप कर दोगे। अगर प्लांट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है तो भी हम इसको ऐसे ही चार्ज कर देंगे जो भी हमें अमाउंट दिया होगा। और अगर हमने उसको रेंट पे लिया है, हायर किया है, तो जो भी हमारे हायर चार्जेस होंगे, जैसा खर्चा उसका हुआ है वन वे और द अदर, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। अगर रेट किराए पे लिया है तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं होगा ना, क्योंकि हमने उसे किराए पे लिया है, तो हम उसका किराया दिखाएंगे, ठीक है। और अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया है स्पेशली, तो हम उसको कॉस्ट दिखाएंगे डेबिट साइड में, फिर जो बच जाएगा उसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और ऑटोमेटिकली, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था, ऑटोमेटिकली इसका सेटअप हो जाएगा। ये आप कर लोगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। डेप्रिसिएशन जो, अगर हमें रेट डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है, तो आपको एक वर्ड होता है पर एनम, उसको याद रखना है। पर एनम इसकी ईयरली रेट है। अगर ईयरली रेट आप, मतलब दो चीजें यहाँ पे, कि पर एनम साथ में लिखा है कि नहीं लिखा। अगर पर एनम लिखा है तो आप जितने महीनों के लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्लांट रहा है, आप उस हिसाब से लगाओगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा, तो इसका मतलब है पूरा के पूरा सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उसको आप सीधा लगा दोगे, फिर आप टाइम पीरियड को नहीं कंसिडर करोगे, है ना। आई रिपीट, अगर पर एनम लिखा है तो इसका मतलब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयरली है। अगर आपने 6 महीने के लिए उस प्लांट को यूज किया है तो आप उसको 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बट इफ पर एनम इज नॉट मेंशन, तो सीधा आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, आप सीधा उसको चार्ज करोगे। देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है, डेप्रिसिएशन प्लांट की वैल्यू है हमारी 20,000, ठीक है, और प्लांट यूज हुआ हमारा 6 मंथ्स के लिए। उन्होंने बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो हमने 10% को सीधा कैलकुलेट कर दिया, 2,000 आ गया। लेकिन अगर लिखा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, तो पर एनम होने की वजह से हमने इसको 6/12 किया, क्योंकि हमारे पास तो 6 मंथ्स रहा था, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैम एक डाउट है। बोलो मैम। जैसे इसमें लिखा है कि प्लांट यूज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ्स, अगर हमें ये नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता प्लांट यूज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड नीचे 10% पर एनम ही होता, तो हम 6 मंथ्स का ही वो लगाते चार्ज। नहीं, ऐसे कैसे, आपको क्या पता 6 मंथ्स, ऐसा नहीं होगा। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप कहीं ना कहीं आपको डेट मेंशनड होगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि सीधा ना हो, ऐसा हो सकता है ना ऊपर डेट दियो कि हमने कमेंसमेंट जो है हमारी इस दिन है और हम क्लोजिंग इस दिन कर रहे हैं, वहां से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे। पर एनम नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको पर एनम दे दिया जाए और आप कहीं से टाइम नहीं कैलकुलेट निकाल पा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके मैम। वो दिया होगा आपको, कहीं ना कहीं बताया होगा। ओके ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अगर मान, और कोई कहीं किसी का डाउट? ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है? कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट में से एक छोटा पार्ट आगे दे देता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जो डोर्स बनाना था, जो वुड का काम था, वो आगे कारपेंटर को उसने दे दिया, अगले कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जो कि वुड का ही काम करता है, ठीक है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्टर जिसे आपने एक पोर्शन दे दिया, इट विल बी, ही विल बी कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि आपने उसको एक पोर्शन दे दिया, ठीक है। तो जो भी हम इसको पेमेंट करेंगे वो हमारी हो जाएगी सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, और वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट के में लिखी जाएगी कि हमारा इतना जो कॉस्ट है वो सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया है हमने, हमने उसे ये काम कराया, तो दैट विल बिकम अवर डेबिट साइड में हमारी कॉस्ट के तरीके से दिखाई जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया है, कभी कभी क्या होता है, वो कहता है चलो शुरू में तो पता नहीं चलता, लास्ट में तो चलो ये काम भी कर देना, तो इसके लिए जैसी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो हमारा, उसका भी कॉस्ट जो होगी वो डेबिट साइड में दिखाई जाएगी कि हमने इसका किया, और उसकी वजह से जो हमें पैसे मिलेंगे वो क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे, है ना। सिंपल कि एक्स्ट्रा वर्क है तो एक्स्ट्रा वर्क को एक्स्ट्रा वर्क के तरीके से ही दिखाया जाएगा। तो ये हमारी डेबिट साइड हो गई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। अब हम क्रेडिट साइड पे बात करते हैं।
जो क्रेडिट साइड है उसमें क्या होता है, हम एक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखते हैं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा नहीं हुआ है तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, तब हमारा जितना वर्क सर्टिफाइड होगा हम वो लिखेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से कंप्लीशन वो माना जाएगा। अगर आपने कोई मटेरियल वापस किया स्टोर में तो वो आप दिखाओगे, अगर आपने कोई मटेरियल ट्रांसफर किया है वो आप दिखाओगे, आपका कोई भी प्लांट मटेरियल कुछ भी लॉस डिस्ट्रॉयड फायर, जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा, तो वो हम दिखाएंगे, है ना। कोई सेल किया आपने मटेरियल को उसको आप दिखाएंगे, अगर आपका वो सेल में, मान लो उस सेल में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हो गया ठीक है, तो आप उसको दिखा देंगे, और अगर कोई लॉस हो रहा तो वो जैसे हम दिखाते हैं सेल ऑफ मटेरियल पे प्रॉफिट और लॉस वैसे ही दिखाएंगे। अब हमारे को एक निकालना होता है कि प्लांट और मशीन इन हैंड कितना है। मान लो हमारा एक बड़ा प्लांट है, बड़ी मशीनरी है, और वो ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही फिनिश हो जाए, हम हर कॉन्ट्रैक्ट के एंड में हम उसका रिवैल्यूएशन करते हैं और हम उसका प्रॉफिट निकालते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है उसको हम क्रेडिट करते हैं विद द रिवैल्यूएड अकाउंट ठीक है। तो रिवैल्यूएड अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है लेस डेप्रिसिएशन प्लांट इन हैंड, सीधा है ना, आपकी कितनी कॉस्ट थी कितना डेप्रिसिएशन लगा आपने इसको बाकी माइनस कर दिया। लेकिन अगर हमने उस प्लांट को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, या वो डैमेज हो गया फायर की वजह से, फ्लड की वजह से लॉस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या करेंगे, वो सब चीजों को भी हम हटा देंगे। कॉस्ट ऑफ प्लांट है हमारी, कॉस्ट ऑफ प्लांट की अगर थेफ्ट हो गई, कुछ भी ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी सोल कर दिया, उसे लेस कर देंगे, है ना, जितना हमने यूज कर लिया वो हमारा बाकी बच जाएगा, और उस बचे हुए में से जितना इस प्रकार उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हमारा प्लांट इन हैंड आ जाएगा। एनी डाउट सो फार? नो मैम। ठीक है, तो मटेरियल इन हैंड हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल है उसको हम दिखा देंगे यहाँ पे, वर्क हमारा सर्टिफाइड है या अनसर्टिफाइड ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम देखते हैं कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको हम दिखाते हैं, उसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा वर्क सर्टिफाइड भी दिखा देंगे और वर्क अनसर्टिफाइड भी दिखा देंगे ठीक है। अब हमें हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही काम करना है, तो उसके लिए डिपेंड, ये किस पे, तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तब कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तब कैसे करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट हमारा बस कंप्लीट होने ही वाला है थोड़ा सा काम रह गया तब कैसे करेंगे ठीक है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया तो सबसे सिंपल यही है, बहुत आसान है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाना है, जितने खर्चे हैं सबको डेबिट साइड में दिखा दो, जितने बैलेंसेस बचे हैं प्लांट एट साइट मटेरियल एट साइट फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, जैसे सेल्स दिखाते हैं उसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो सब क्रेडिट में दिखा दो, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट है, और डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो वो लॉस है, और जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो ठीक है। तो ये हमारा कैसे कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट बनता है और कैसे कॉन्ट्रैक्टी का हम अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी का पर्सनल अकाउंट अपने पास बनाएंगे, ये उसका एक फॉर्मेट है, ये मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है तो आप इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको फटाफट सारे आइटम्स पढ़ के बता देती हूँ। हमारा मटेरियल परचेज सबसे पहले दिखाया, मटेरियल जैसे मैंने बताया था कि तीन जगह से मटेरियल आ सकता है, तो सबसे पहले आप मटेरियल दिखाओगे, विद वेजेस दिखाओगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट, अगर आपने कोई, एनी डाउट बेटा, कोई कुछ कहना चाहता है? आर्यश आप कुछ बोलना चाहते हो? नो मैम, गलती से माइक ऑन हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट जो हमने परचेज किया, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिकली अगर इसी प्रोडक्ट के लिए हम, इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने प्लांट परचेज किया है तो वो हमने दिखा दिया, हमारा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हुआ, डेप्रिसिएशन अगर हमें पता है कि भाई थोड़े टाइम के लिए हमने ये प्लांट यूज किया है तो हम सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, अगर हमने कोई सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किया कि हमने जैसे वुड का काम, मैंने एग्जांपल दिया था कि वुडवर्क का काम हमने किसी और से करा लिया तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, है ना।
कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी है, तो ये यहाँ तक हो गया। अगर हमने कोई भी प्लांट जो बेचा है या हमने कोई भी मटेरियल बेचा है उस पे हमें कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ पे हमने दिखा दिया। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हो जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो यहाँ दिखा दिया। और क्रेडिट साइड में जो हमारा मटेरियल हमने वापस किया स्टोर्स को, सप्लायर्स को या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो प्लांट रिटर्न किया लेस डेप्रिसिएशन करके दिखा दिया, कोई भी प्लांट सोल किया वो दिखा दिया, जो हमने सारे पॉइंट्स अभी किए हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इसलिए एक बार पढ़ रही हूँ कि आपको रिविजन हो जाए आपका। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने विथ सेल लॉस हुआ हमारे को वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अगर प्लांट कोई भी लॉस्ट हो गया डिस्ट्रॉयड हो गया वो यहाँ पे दिखा दिया। मटेरियल इन हैंड है ना, बाकी जो हमने कैलकुलेट किया था प्लांट इन हैंड अभी हमने देखा था कि कितनी प्लांट की कॉस्ट है और माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टी का पर्सनल अकाउंट है वो हम दिखाते हैं। इट इज लाइक कि हमारे हमने कितने पैसे उसे दिए हैं, कितने पैसे उससे हमारे बनते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे इसको दिखाते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्टी का जो पर्सनल अकाउंट है वो कैसे बनता है कि उसके लिए हम ना ड्यू, दिस इज ए पर्सनल अकाउंट, ऊपर वाला था एक नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट क्या है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करके हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एक्स्ट्रा वर्क डन यहाँ पे दिखा दिया। और बाय बैंक में वो जितना हमें पैसे देता जाएगा हम उसे करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली जो बाकी बैलेंस बच गया कि दैट इज अमाउंट ड्यू है ना, तो ये हमने इसको यहाँ पे दिखाया। तो इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा वर्क डन था उसको भी हमने उसके लिए चार्ज किया उसे यहाँ पे, और अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो गया तो हम उसको यहाँ पे दिखा देंगे। एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टी का जो पर्सनल अकाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर ही बना रहा है, वी आर मेकिंग दिस अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट क्लियर टू एनीबॉडी? मैम एक डाउट है। हाँ बोलो मैम। हम तो कॉन्ट्रैक्टर है, मींस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, तो हम कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट किस बेस पे बना रहे हैं, मतलब किस लिए? आप अपने डेटर का अकाउंट बनाते हो? यस मैम। तो ये तो है, आप इसको सामान दे रहे हो बना के, डेटर को आप रेगुलर करते हो ना? यस मैम। यस, तो ये हमारा, इससे हमें ये हमारा, इसको हमने इसके लिए तो सारा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो आपकी एक ही एंट्री है, अब हो सकता है उसका 2 साल का 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो चलता रहेगा ना, उसके लिए हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज लाइक कि हमारी भाई आप जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसको आप पैसे दोगे भी सही और उसके लिए काम करोगे भी सही, तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? तो ये कॉन्ट्रैक्ट, इट इज लाइक ए पर्सनल अकाउंट फॉर माई डेटर। ओके मैम। जितना मैंने उसके लिए काम कर दिया मैं उसको डेबिट कर देती हूँ ना उसके लिए, और जितना वो पैसे दे दे उतने उसके लिए क्रेडिट कर देती हूँ, तो सेम इज लाइक दैट। ओके मैम। ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट एनीबॉडी हैज? ओके, तो ये इलस्ट्रेशंस हैं, थोड़ा मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है, तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दीज इलस्ट्रेशंस योर सेल्फ। मैं थोड़ा सा और आगे आपको समझाती हूँ जिससे आप कर सके, कल संडे है तो आप जो है थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगी। ये क्या है, हमारे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लेना चाहता है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट राइट, तो अभी तो हमने कॉस्ट निकाली है। अब अगर उसको प्लस भी कुछ चाहिए, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स चाहिए, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है कि या सामान मिल नहीं रहा है और कह रही है मैं आपके लिए कर दूंगा लेकिन पैसे ज्यादा लूंगा, दैट इज कॉस्ट प्लस। तो वो एक फिक्स परसेंटेज को हम ऐड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में, और वो जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्ट बन जाता है। तो जैसे जनरली जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डैम्स ब्रिजेस, उनमें क्या होता है बहुत लंबे लंबे टाइम चलते हैं, तो जो बहुत लंबे लंबे टाइम चलते हैं तो उसमें मनी की वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो जाती है या इतना टाइम ज्यादा लग जाता है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो कहते हैं कि आप इतना प्लस मान के चलो उसे, तो हम एक फिक्स परसेंटेज जो है वो उसमें ऐड करके चलते हैं। तो वहां पे हमें परसेंटेज दी होगी वो आप दिखाओगे, जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आपने देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितने आप ऐड कर दोगे यहाँ पे इसमें।
है ना, हम एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं कि जितना हमारी ये कॉस्ट आ रही है 46,230, उसमें हमने 20% बढ़ा दिया, कि ये हम बढ़ा के दिखा रहे हैं। अब ये जो अमाउंट आएगा ये हमारे कॉन्ट्रैक्टी को हमें देना है, राइट right? और ये उसके अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा और इसकी पेमेंट वो धीरे धीरे करेगा। ठीक है, ये तो वो सीन था जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है लार्ज नंबर ऑफ इयर्स के लिए, 5-5 साल 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म नहीं हो रहा है एक साल में, तो क्या करते हैं फिर वो हम, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट वाला इश्यू आता है। वहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो गया और कितना इनकम्प्लीट है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे हैं, ठीक है, एक ना एक मिडिल इनिशियल स्टेजेस पे है, मिडिल स्टेज पे है, एडवांस स्टेज पे, इस पे डिपेंड करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू हुआ है, ठीक है, और 1/4 25% काम भी नहीं हुआ है, तो फिर हम कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम तो बस ये देखेंगे कि हमारा कितना वर्क इन प्रोग्रेस में इसको दिखाएंगे। लेकिन अगर हमारा 50% से, मतलब 25 से 50% तक का काम हो गया है, तो हम कुछ बनता है कि हम कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसको ट्रांसफर करें और हम उसको दिखाएं कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे, मान लो हमने ये डिसाइड किया कि जितना आप, इसमें भी हम एक प्रपोर्शन डिसाइड करते हैं कि, क्योंकि क्या है ना, अभी जब तक चीजें कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आप सारा प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, वो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए। हम उसको रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम जितना हमें मिल चुका अभी हम उसका 1/3 प्रॉफिट दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको टोटल प्रॉफिट जितना हो रहा है हम पूरा के पूरा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं, हम उसका 1/3 दिखाते हैं। और प्रोपोर्शन क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पे तीन टाइम चीजें यूज, दो मेन टर्म्स हैं, हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ, मान लो हमारा 20%, जैसे वो एग्जाम्पल हम ले रहे थे कि हमारा जो वर्क है वो ऐसा होता है कि 1 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख का हमारा काम हो चुका, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको सिर्फ 70,000 रुपीज ही दूंगा, तो 70% ही पैसे हमें मिले। अब अगर इस 70,000 में जितना प्रॉफिट है हम सारा के सारा प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, हम उसका 1/3 दिखाएंगे। क्योंकि इसलिए 1/3 दिखाएंगे कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम पहले ही प्रॉफिट दिखा देंगे तो वो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। यही काम अगर हमारा एडवांस स्टेज में हो जाए, ये तो था अगर 25-50% काम खत्म हुआ तो, लेकिन अगर यही काम हमारा 50% से 75% तक खत्म हो गया है, तो हम क्या गलत है कि ठीक है हम अब हम लग रहा है कि हम एडवांस स्टेज में है तो अब हम दिखा सकते हैं, तो भी हम पूरा फिर भी नहीं दिखाएंगे बिकॉज अवर प्रॉफिट इज, अवर वर्क इज नॉट कंप्लीट, तो हम 2/3 दिखाएंगे। ठीक है, और अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को तो पूरा ही दिखा देंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है ना, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो आप उसे पूरा मत दिखाओ, लेकिन अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो आप उसे पूरा दिखा दो। ठीक है, तो ये देखिए ये एक फॉर्मूला बन के आता है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड जो है वो लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो कोई पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर हमारा 1/4 से लेके, लेकिन मोर देन 1/2 है, सॉरी बट लेस देन 1/2 है, तो हम 1/3 ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। और अगर हमारा 51, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, 1/2 नहीं, वर्क सर्टिफाइड मोर देन, इन्होंने लास्ट लिमिट नहीं दी, दैट इज यहाँ पे बताई हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा 2/3। ठीक है, तो हम 2/3 ऑफ प्रॉफिट जो है वहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो अगर हमारा हाफ से ज्यादा हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन अभी भी, लेकिन वो हाफ से ज्यादा हुआ है तो हम करेंगे, और लॉस हो रहा है तो पूरा के पूरा हम लॉस जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर दिस पार्ट व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्योंकि अभी हमारे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा काम जो है वो इनकम्प्लीट है, तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है, और वर्क सर्टिफाइड में भी वो लेस देन 25% है,
या 25 से 50% है या मोर देन 50% है. तीन तीन सिचुएशंस आ गई ना आपके पास, तीन कैटेगरीज आ गई, लेस देन 25%, 25 to 50% या मोर देन 50%. उसके बेस पे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और सारी चीजों को यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे कि कितना हमारा जो है, उसी तरीके से हम वर्क इन प्रोग्रेस और ये सब दिखाएंगे. सेम ही फॉर्मेट है, सिर्फ हमारा कितना अमाउंट, ठीक है, क्योंकि हमने बात करी कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए बना रहा है, नॉमिनल अकाउंट है ना, और उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. जितने भी आइटम्स हैं हमारे एक्सपेंसेस और जितने भी बैलेंसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, वो हम दिखाएंगे. फिर उसके बाद दोनों तरफ के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का टोटल करेंगे, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है. ठीक है, अब क्या है, यहां तक तो हमने काम पहले कर लिया, अब इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसके लिए अभी हम जो टेबल पड़ी है वो लगा देंगे, और बैलेंस का जो पार्ट है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में हम उसको दिखा देंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? पहला पार्ट, दो पार्ट हो गए ना. पहले पार्ट में तो आपने जैसे देखो यहाँ पे देखते हैं मटेरियल स्टोर्स वर्जेस प्लांट सब, ये सब हमने कर दिया. ठीक है, ये सब हमने कर दिया. इसके बाद क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि हमारे को कितना जो है प्रॉफिट हमारा बच रहा है. वर्क सर्टिफाइड जो है वो लेस देन है 25%, 25% या फिर उससे ज्यादा है, 50% है, जितना है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करेंगे. ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर रूल, और बाकी हम प्रॉफिट इन रिजर्व दिखा देंगे. ये टोटल प्रॉफिट को जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पर है सारा के सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं डालेंगे. हमने जो भी रूल्स पढ़े हम उसके हिसाब से डालेंगे और बाकी को हम वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में दिखा देंगे. नेक्स्ट ईयर जो होगा फिर हम उसको आगे से प्रोसीड करेंगे, कितना हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, जितना मटेरियल है, प्लांट है, वेजेस है, वो जैसे नेक्स्ट ईयर में हम उसको कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम कर लेंगे. और इसी के साथ हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बना सकते हैं. थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है ये आपको, लेकिन आपको पता चल जाएगा देख के कि हमारा कितना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, कितना हमने प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया है ना, क्योंकि इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, और बाकी जो है वो हमारा बैलेंस है ना, क्योंकि इसमें से जो सर्टिफाइड है उसका पोर्शन तो हमारा प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर में चला गया होगा. आप इसका न्यूमेरिकल ट्राई कर, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने देख ही लिया, और बैलेंस शीट में हम ऐसे दिखा देते हैं इसको. जितनी भी हमारा मटेरियल्स वगैरह इन हैंड वर्क इन प्रोग्रेस एसेट साइड में होता है वहां पे हम दिखाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट, जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटी साइड में, और क्रेडिटर्स जो डेटर्स है वो एसेट साइड में. जैसे हम दिखाते हैं नॉर्मली वैसे ही हम दिखा देते हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वैसे हमारे इधर आना चाहिए था, इधर क्यों आ रहा है, अगर हमने उसे वर्क इन प्रोग्रेस से ज्यादा पैसे ले लिए तो, है ना, तो यहाँ पे वो एक तरीके से हमारे पास उसका एडवांस आ गया. तो अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, आप इसको यहीं तक पढ़िएगा एक बार, न्यूमेरिकल्स जो है इसके अटेम्प्ट करिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है. If, अगर जैसे इसमें दिखा रहे कि कंडीशन अगर हमारा हाफ है या मोर है तब क्या होगा, ट्रांसफर रिटर्न्स वेस्टेजेस ये सब कैसे होगा. जस्ट वन सेकेंड, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से आप 12 इलस्ट्रेशंस तक करके आ सकते हो. ठीक है, तो 12 इलस्ट्रेशंस तक आप करेंगे, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी वी विल डिस्कस इन द क्लास, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, ट्राई करिएगा. ओके मैम, एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस, और कोई भी न्यूमेरिकल हम यहाँ पे क्लास में कर पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ठीक है, ओके मैम. जी मैम.